तो स्वागत है आप सबका। आज हम इंडियन अडल्ट एनी केस पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अडल्टरी होता क्या है। तो अभी आप सोचिए कि आपकी शादी हो चुकी है और आपका सुहागरात होने वाला है, और सुहागरात खत्म होने के बाद आपके पत्नी को ये पता चलता है कि आपका तो बहुत ही छोटा है, उससे बड़े तो उसके खुद के बाल है। कहाँ के? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, कहाँ के। तो इसके बाद अगर आपकी बीवी चाहे तो किसी बड़े काले मुर्गे यानी बीबीसी को पकड़ के खुशी प्राप्त कर सकती है। और ये सब करने से आप अपनी बीवी को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि यही तो है अपना नया कानून, इंडियन अडल्टरी केस। तो इसका मतलब समझे आप कि अगर आप ठुकाई में अच्छे नहीं है तो आपकी बीवी गई पड़ोसी के पास, वो भी लीगली। और मजाक की बात थोड़ी ना, एक शादी को खत्म करने में 10 से 15 लाख का खर्चा आता है, और इतने खर्चे के बाद अगर आपको पता चले कि आपकी बीवी किसी और के पास जा रही है मजे के लिए, तो कैसा लगेगा आपको? ये तो वही बात हो गई, सारा मेहनत और खर्चा आप कर रहे हो लेकिन आपका फल कोई और ही चूस रहा है। लेकिन इस चीज का एक फायदा भी है यार, दूसरी की बीवी भी तो आपके पास आएगी। बस ये एक ही फायदा है, बाकी तो आपकी मर्जी, आप क्या करोगे, क्या छोड़ोगे, क्या पकड़ोगे, आप जो भी करो सब लीगल है। और ये हमारे मोदी साहब का पहला कदम है अमेरिका के लेवल तक पहुंचने का। अमेरिका का टेक्नोलॉजी आईना है, सेक्शन 377 और अडल्टरी केस आ चुका है। साला पेट्रोल के प्राइस का टेंशन कम था, जो बीवी को कोई और ठोकेगा उसका भी टेंशन आ गया। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी अच्छे दिन आएंगे जरूर। तो बस वीडियो को आज हम ये पे खत्म करते, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके हैं कि अडल्टरी केस होता क्या है। और अगर आप चाहते कि आपकी बीवी या होने वाली बीवी आपको छोड़ के किसी और के पास ना जाए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार। और अगर आपने नहीं किया तो वो आपके रिस्क में, बाद में मुझे मत बोलो। और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो फेसबुक में भी हमारा एक पेज है, उसको भी लाइक और फॉलो करो। देखना आपकी बीवी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो चलो, थैंक यू, बाय।